This is the routine. Dr. Anil Dhingra is Associate Director in Neurosurgery. Dr. Ajay, who is Senior Consultant in Neurosurgery. Dr. Sonia, kapil, she is the Associate Consultant for Neurosurgery. So I request Dr. Dhingra to take over from here and share with you what exactly is brain tumor and what are the symptoms, signs, and what are the different options. Yes, sir. Daily 500 cases of tumor. हर वर्ष पूरे इंडिया में मिलते हैं. सबसे कॉमन कैंसर है बच्चों में कैंसर देख जाए पूरी बॉडी में, तो सबसे कॉमन कैंसर ब्रेन का होता है. अदरवाइज ये किसी भी एज में हो सकता है. ट्यूमर क्या है? अरे अनवांटेड ग्रोथ, कोई बॉडी में कहीं भी ग्रोथ हो गया है, बमर जो रुक नहीं रही है, उसको ट्यूमर बोलते हैं. ब्रेन ट्यूमर कॉज क्या है? सिम्टम रिस्क फैक्टर डायग्नोसिस बात करते हैं. ज़्यादा कॉमन ये मेल्स में है, ओल्ड एज में कॉमन हो जाता है. ब्रेन ट्यूमर का सबसे कॉमन कारण है पोल्यूशन, रेडिएशन एक्सपोजर एंड पेस्टिसाइड्स आदि यूज करने में. और कई जैसे सिगरेट पीना, स्मोकिंग, वो कारण नहीं है ब्रेन ट्यूमर. जैसे लंग कैंसर होता है सिगरेट पीने से, या लीवर कैंसर होता है ड्रिंक करने से, ब्रेन कैंसर उनसे नहीं होता है. ब्रेन कैंसर मेनली रेडिएशन एक्सपोजर एंड पेस्टिसाइड्स आजकल जो पेस्टिसाइड काम यूज करते हैं और पोल्यूशन का. और इसके अलावा थोड़ा बहुत फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है किसी में. रेयरली इन्फेक्शंस, जब फैमिली हिस्ट्री या हेड डिजीज, कई बार हेड डिजीज होती है उसमें, कई बार 10-20 साल बाद कई बार थोड़ा सा ट्यूमर निकला था. इनके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगे ब्रेन ट्यूमर आपको हो सकता है नहीं हो सकता है, वो हमें देखना जरूरी है. सबसे कॉमन सिम्टम तो हेड एक है, ठीक है ना. हेड एक हर एक बंदे को आम हो जाता है, पर ऐसा नहीं सबको कैंसर है. हेड एक प्योरली थ्रोबिंग टाइप का होगा, कॉन्टिन्यूस हेड एक हो रहा है और मेडिसिन से ठीक हो रहा है. कॉन्टिन्यूस कई दिनों से, हफ्ता, महीना, 15 दिन, 2 महीने से हेड एक हो रहा है. डल एक, हल्का हेड एक, नॉट लाइक माइग्रेन. जो माइग्रेन जो कॉमन हेड एक है वैसा नहीं होगा. माइग्रेन में तो आपको नस फटेगी, वैसा दर्द होगा, ठीक है ना, शार्प होगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी तो स्ट्रेस होगा और सो के ठीक हो जाएगा. पर जो ब्रेन ट्यूमर है इनमें हेड एक ऐसे ठीक नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा धीरे धीरे. और साथ इसके अलावा सेकेंड कॉमन कॉज सिम्टम है सीजर एपिसोड, फिट्स मिटी हो जाना. ये भी लोग कई बार नेगलेक्ट कर देते हैं, लोग बेहोश हो गए 10 मिनट 5 मिनट हो गए, लोग इग्नोर करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो गया या चक्कर नहीं गिर गए. ऐसे लोग भी हैं कि साल पहले दोहराया था, कुछ आया है, भी होती है, लोग इग्नोर करते हैं, बताते हैं कि 7 साल हो गए हमें दोहराया है, बेहोश हुए, लोग उम्मीद से कि दोहरा आ गया, पता नहीं क्या हो गया, तो लोग छुपाते हैं कि बात. और स्पेशली दोहरा जो लेट ऑनसेट होता है आफ्टर 30 के बाद जो दोहरा है उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी कैंसर होने की. बच्चों में दोहरा आते हैं पर उनमें कैंसर नहीं होता, वो जन्म से कई बार होते हैं, पर जब आफ्टर 30-35 बाद दोहरे आ रहे हैं उनमें पॉसिबिलिटी कैंसर होने की, ट्यूमर होने की. इसके अलावा बाकी सब मेमोरी डिस्टर्बेंस, ज़्यादा बोलना, बिहेवियर प्रॉब्लम होना, कमजोरी एक तरफ की कमजोरी या सुनपन आना, और चलते हुए इम्बैलेंस होना, सुनाई ना देना, कान में सुनने में दिक्कत हो रही है, और कई बार देखने में दिक्कत, देखने में डबल विजन होना या धुंधला होना, तो उसमें भी ब्रेन ट्यूमर का कारण काफ़ी कॉमन है. लोगों को पता लगता नहीं है, छीछे बिना साल भर आप नज़र खराब हो रही है, नहीं समझ आ रहा क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली काफ़ी साल भर में लगे कि हाँ ट्यूमर है ब्रेन में. ये भी है हमारे इसके ट्यूमर पकड़े गए डायग्नोसिस के लिए हमारे कोई स्क्रीनिंग से टेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट एम आर आई है. हमारे अलावा और कई कारण किसी चीज़ से नहीं पता लगे ट्यूमर है, तो ब्रेन बंद है पूरा, तो कई दिन दिखेगी बाद में ग्रोथ हो रही है, ऐसा बंद है, उसके लिए सिर्फ एम आर आई एक टेस्ट है जिससे पता लगे कि हम ब्रेन ट्यूमर है. इसके ऑप्शन क्या किए हैं? सबसे कॉमन तो सर्जरी है, ब्रेन ट्यूमर कोई भी होता तो सर्जरी सबसे पहला ऑप्शन माना जाता है, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, करना नहीं करना डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर कॉज टाइप का है, और सीजर की मेडिसिन चलेगी, दो एक मेडिसिन चलती है. उसके बाद ब्रेन ट्यूमर वाले दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं. जो 50% ऑफ ट्यूमर जितने ब्रेन में होते हैं उनमें से 50% कैंसर्स होते हैं, और उसमें यूजली ग्लायमस होते हैं ग्रेड 4 जो लास्ट स्टेज का होता है. बाकी जो ट्यूमर होते हैं वो लो ग्रेड कैंसर या बिनाइन ट्यूमर होते हैं. जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं दैट विल रिमूव प्रोटीन, वो टोटली निकल जाते हैं और दोबारा भीतर नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं है. बाद में जो केसेज होते हैं वो टोटली क्योरेबल है. वो ब्रेन ट्यूमर कहीं दूसरे में फैलता नहीं है, कहीं और टिश्यू में जाता नहीं है, और अनलाइक जो दूसरे ट्यूमर बॉडी में होते हैं पेट में या छाती में ब्रेन ट्यूमर, जो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर है वो जाने पास होता है, क्योंकि जितना बड़ा रहेगा ब्रेन में प्रेशर करेगा बंदे की जान चली जाएगी उसमें ब्रेन ट्यूमर में, ठीक है ना.
तो ऐसा नहीं ब्रेन ट्यूमर है तो कोई खतरा नहीं है, ब्रेन ट्यूमर है तभी ब्रेन में है तो जान जा सकती है इसी टाइम में। तो कुछ ब्रेन ट्यूमर भी टाइम मैनेजमेंट भी कैंसर भी कर देते हैं। जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा स्मॉल ट्यूमर होगा तो सर्जरी भी इवन कई बार अवॉइड हो जाती है। आजकल सर्जरी के अलावा गामा नेव रेडिएशन होता है, अगर ट्यूमर बहुत छोटा है 3 सेंटीमीटर छोटा ट्यूमर है तो उसको हम गामा नेव एक रेडिएशन के वो दे सकते हैं, उसके ऑपरेशन हम बचा सकते हैं। जो कैंसर ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर से हम कहते हैं उसमें से ग्रेड 4 ट्यूमर सबसे कॉमन है, जो लास्ट स्टेज ट्यूमर है जो कि क्यूरेबल नहीं है पूरी दुनिया में, एनी वे द वर्ल्ड के भी क्यूरेबल नहीं है। हम सिर्फ सर्जरी करके उसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी देखिए उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ा सकते हैं, पर हम कहेंगे टोटली क्योरेबल वो नहीं है। कैंसर जो लो ग्रेड कैंसर है उनकी लाइफ ठीक है, मेरे 10 से 15 साल बढ़ा सकते हैं ऑपरेशन के बाद। ये ट्यूमर है ये ट्यूमर है जो हमारे में दिख रहा है ट्यूमर, ये पूरा ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर है, ये पूरा एक डॉट निकल गया आराम से। आज का मैसेज क्या हमारा ब्रेन ट्यूमर है कि हमें मेरी अवेयरनेस करनी है कि क्या सिम्टम है क्या साइन है, कितनी जल्दी हम ट्यूमर को पकड़ लेंगे जिससे कि इलाज टाइमली हो जाए। डे सेलिब्रेट फॉर ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर, जो हमारे ब्रेन ट्यूमर सर्वाइव किए हैं उनके लिए हमने किया हुआ है। होप ऑफ ब्रेक क्या है आजकल, उम्मीद की किरण है कि टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली हेल्प गुड आउटकम। जितनी टाइम जितनी जल्दी हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा तो इलाज भी उतना अच्छा हो जाएगा, और टोटल रिमूवल अगर ट्यूमर पूरा निकल गया तो अच्छा आउटकम रहेगा। सर्जन हमेशा इंश्योर करेगा कि फर्दर डैमेज ब्रेन का ना हो। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है तो ब्रेन सर्जरी हमारी काफ़ी सेफ हो गया, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं, सर्जरी के नाम से कोई डरना है वैसा नहीं। मैं डॉक्टर अनिल ढिंगरा, एसोसिएट डायरेक्टर पारस हॉस्पिटल पंचकुला। ब्रेन ट्यूमर के बारे में धारणा है, काफ़ी लोग ब्रेन ट्यूमर के नाम से ही डर जाते हैं और कई लोग इसके सर्जरी करने से ही डरते हैं कई बार लोग, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर का जो इलाज है आजकल बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ गए हैं जिससे इलाज काफ़ी आसान हो गया है ना। इसके सिम्टम ये है कि हम ज़्यादा सबसे कॉमन है कि हेडेक, सिर दर्द हो रहा है, वोमिटिंग साफ होना है, मिर्गिया दौरा आना है, या नज़र में कमी होना है, नज़र काफ़ी टाइम से लगातार कम होती जा रही है, या कहाँ से सुनाई देना कम हो जाना। इसके अलावा बिहेवियर प्रॉब्लम आने जाती है, या कई बार मेमोरी कम हो रही है, और कभी कभी आधा रंग आधा हिस्सा कमज़ोर या सुनपन आना शुरू हो जाना आधे हिस्से, ये सारे इसके सिम्टम हैं। और इसको कंफर्म करने का एक ही इलाज है एमआरआई, ब्रेन दिमाग का जो एमआरआई है वो करके ही पता लग सकता है। जो ब्रेन का ट्यूमर है या ब्रेन ट्यूमर और कैंसर ट्यूमर दोनों तरह के होते हैं, दोनों में इलाज जरूरी है। इवन ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज करना जरूरी है क्योंकि ये भी जानलेवा हो जाता है जैसे साइज बड़ा होता जाएगा इसका, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइमली इलाज करना जरूरी है ट्यूमर में, और टाइमली हो जाए और इससे डरने की कोई बात नहीं है। आजकल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सर्जिकल रिजल्ट इतने अच्छे हो गए हैं कि दूसरे दिन ही पेशेंट होश में मतलब चलना शुरू कर देता है ठीक ठाक, और तीसरे चौथे दिन डिस्चार्ज कर देते, पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। मैं डॉक्टर अजय बिष्ट, मैं पारस हॉस्पिटल पंचकुला में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी हूँ। आज का दिन जो है 8th, ये इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस फैला सकें, जिससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम जल्दी ट्यूमर्स को पिकअप कर लें तो फिर मरीज़ का इलाज जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जो ब्रेन ट्यूमर है इसके कई कारणों से मतलब इसके बारे में पता चल सकता है। एक तो सिर दर्द होता है, सिर दर्द जो है इसमें नॉर्मली शाम के टाइम पे ज़्यादा होगा या अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होगा, फिर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो सकती है, अगर उल्टी होती है तो उल्टी से फिर सिर दर्द में थोड़ा सिर दर्द कम हो जाता है। दूसरा जो हो सकता है कि मिर्गी के दौरे टाइप के आ सकते हैं इससे, तो ये है। तीसरा फिर आँख की रोशनी कमज़ोर होना या चेहरा एक तरफ को टेढ़ा हो जाना या एक कान से सुनाई कम देना, बैलेंस में प्रॉब्लम होना या शरीर का एक साइड का हिस्सा हाथ पैर का काम कम कर देना या वहाँ पे सुन्न हो जाना है, या इस तरह की कई सारी सिम्टम्स होते हैं। या एक ये भी हो सकता है कि अगर ट्यूमर काफ़ी बड़ा हो गया है या उसमें ब्लीडिंग हो गई तो बेहोश भी हो सकता है।
इस तरह की अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर साहब देख करके फिर डिसाइड करेंगे कि क्या टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत है। मेनली जो दो टेस्ट हम इसमें करते हैं, एक सी टी स्कैन और एक MRI, जिसके बेसिस पे फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को इलाज करने में किस तरह का इलाज की ज़रूरत है। अगर तो छोटे ट्यूमर्स हैं जैसे कि 3 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें बिना ऑपरेशन के भी गामा नाइफ के द्वारा इलाज किया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर ट्यूमर है उसमें हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और ऑपरेशन के बाद जब बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे कीमोथेरेपी या रेडिएशन देने की ज़रूरत है या ये बेनाइन ट्यूमर है जो कि सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो जाएगा। एक और तरह के ट्यूमर जो बाकी ब्रेन में हो सकते हैं वो है कि शरीर में कोई और जगह पर कोई ट्यूमर है जैसे वो और जगह पर स्प्रेड करता है, उसी तरह ये ब्रेन में भी जा सकता है। तो जो अगर तो इस तरह के जो ट्यूमर हैं जिन्हें मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स बोलते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट का जो प्राइमरी ट्यूमर है जहाँ से ये गया है उसका क्या हालत है, तो इसका भी फिर रेडिएशन से या सर्जरी के द्वारा इलाज किया जा सकता है। तो अगर एंड मोस्टली जो ज़्यादातर पेशेंट हैं जिनका अपनी ब्रेन ट्यूमर का इलाज हो, अगर टाइमली ये डायग्नोस हो जाए और इसका इलाज हो जाए तो ज़्यादातर पेशेंट काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जो है जीने की उम्मीद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया कपिल हूँ। मैं DM न्यूरो एनेस्थीजिया में हूँ और मैं एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट पे पारस हॉस्पिटल में हूँ। बेसिकली आज की हम यही बताने हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो एक लाइलाज बीमारी नहीं है। उन जिन मरीज़ों में टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है और जो हमारे पास आते हैं उनमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है। मैं एक एनेस्थीजिया इंटेंसिव स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पर्टिकुलरली मेरी फील्ड ऐसे मरीज़ों की सर्जरी से पहले की केयर, सर्जरी के वक्त उनकी केयर और सर्जरी के बाद की उनकी केयर जो ICU में रहती है उसमें स्पेशलाइजेशन। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मरीज़ किस तरीके से रिकवर करता है, पेन फ्री रहता है। जिन मरीज़ों को कुछ लंबा टाइम ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े उन मरीज़ों की केयर कैसी रहती है। पूरे विश्व में 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 में जर्मनी से हुई थी, जहाँ की एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ने पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेन ट्यूमर। करीब पूरे विश्व में करीब 500 ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स रोज डायग्नोस होते हैं और भारत में करीब 50,000 से 60,000 नए पेशेंट्स हर साल ब्रेन ट्यूमर में डायग्नोस होते हैं। ब्रेन ट्यूमर यूजली दो तरह का होता है, एक कैंसरस और एक बिनाइन। जो कैंसरस ट्रीटमेंट होता है उसमें पहले सर्जरी की जाती है, उसके बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी किया जाता है और कई केसेस में ये रीअकर भी हो जाता है। उसके विपरीत जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं ये कम हानिकारक होते हैं, इसमें भी सर्जरी की जाती है लेकिन सर्जरी के बाद दोबारा ग्रोथ के चांसेस नहीं रहते हैं। बट मेन प्रॉब्लम जो है पेशेंट्स में है कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, लोग डायग्नोस ठीक से नहीं कराते। इसका जो बेसिकली डायग्नोस एक एडवांस MRI या CT के ऊपर हो जाता है। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण हो, आपको आँखों में दिखना कम हो रहा, अचानक नज़र कमजोरी हो रही है, कोई हाफ साइड पैरालिसिस है, किसी अंग में हाथ में या पाँव में कमजोरी हो रही है, लगातार सिर दर्द है, उल्टी आना, चक्कर आना, दौरे आना, इस तरह का कोई भी इंडिकेशन हो, पेशेंट्स को एट द अर्लीस्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये निकल भी जाए, किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वी हैव मोस्ट एडवांस 3 टेस्ला, MRI, 128 स्लाइड्स, CT स्कैन, एडवांस पेंटेरो माइक्रोस्कोप्स, जिससे कि इसका इलाज और सर्जरी बड़े सफल तरीके से की जा सकती है। अमूमन सर्जरी में 2 से लेकर 5 घंटे तक लगते हैं, पेशेंट को 1 या 2 घंटे में होश में वापस लाया जाता है और रिहैब होने में करीब 1 से 2 हफ्ता लगता है। तो मेन जो इसमें है कि पेशेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें इस तरह के कोई भी लक्षण हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जिस तरह के CT MRI जो भी जांच वो लिखते हैं वो जांच कराएं, और अगर कन्फाइंड डायग्नोसिस है ब्रेन ट्यूमर का तो अपने डॉक्टर से मिलके अपनी सर्जरी की प्लानिंग कीजिए। तो आज की डेट में वो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जो पहले कहता था कि ये बिल्कुल जानलेवा है कि इसके बाद पेशेंट की डेथ हो सकती है, अक्सर सारे ब्रेन ट्यूमर्स ट्रीटेबल है, सर्जरी हो सकती है, उसके बाद का भी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अगर उसको फॉलो करें तो आप 10 से लेकर 20 साल विदाउट एनी प्रॉब्लम पेशेंट्स कैन लीव ए हेल्दी लाइफ। इस बीमारी से काफ़ी लंबे टाइम से जूझ रही थी और लास्ट में आके तो आंखों के ऊपर उसने बॉल सी टाइप में यहाँ इस साइड था और लास्ट में आके आंखों पे प्रेशर उसने डाला तो आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, वीक हो गई। तो आंखें टेस्ट कराई, उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड से रिलेटेड है। हमने MRI कराई और डॉक्टर से डिस्कस करी इस बारे में, अनिल कुमार डिंगरा, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया
और उसके बाद पहले मेरी नेगेटिव सोच ऐसे थी कि मैं जिंदगी से हार गई थी, मायूसी मेरे अंदर आ गई थी, ना कुछ करने का मन नहीं करता था, मायूस थी। और ऑपरेशन के बाद पॉजिटिव सोच हुई मेरी, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर साहब का। बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहूँगी? ये मैसेज देना चाहूँगी, प्रॉब्लम है तो उनको कैसे मतलब हाँ, अपना एटीट्यूड कैसे चेंज करना चाहिए? मैं मैसेज, मेरा मैसेज यही रहेगा कि दुख से कभी घबराएं नहीं, हिम्मत से डट कर उसका मुकाबला करें। ब्रेन ट्यूमर देखो है तो एक थोड़ी सी समस्या गंभीर ही, लेकिन हिम्मत ना हारें, साहस ना तोड़ें अपना, और इससे लड़ें और अपनी पॉजिटिव सोच बनाएं। उसके लिए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है।